हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टेक्निकल जोन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहां पे ट्राई की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरटेल को यहां पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर एड किए हैं। तो आज के वीडियो मैं आप लोगों को ट्राई के इसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किन किन ऑपरेटर्स ने कितने ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड किए हैं और किन किन ऑपरेटर को सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए हैं। तो सारी डिटेल आज के वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग एयरटेल के काफी सारे एड देखते होंगे और वहां पे बताया जाता है एयरटेल के बारे में कि उनकी जो स्पीड है वो सबसे फास्ट है इंडिया। अगर दोस्तों आज यहाँ पे ट्राई की ओर से मार्च 2019 की एक रिपोर्ट पेश की गई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किन किन ऑपरेटर ने कितना ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड किए हैं और किन किन ऑपरेटर को कितना ज्यादा सब्सक्राइबर की नुकसान हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्च 2019 में ट्राई के द्वारा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल से लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल से लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए। तो वहीं पे ट्राई के अनुसार दोस्तों मार्च 2019 में वोडाफोन आइडिया से लगभग 1.45 करोड़ सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए। तो वहीं पे एयरटेल से लगभग 1.51 करोड़ सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए। यानी कि दोस्तों एक महीने में एयरटेल से लगभग 1.51 करोड़ सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए, जो कि एयरटेल को यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुई है। तो वहीं पे बीएसएनएल से लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर छोड़कर चले गए। मतलब कि दोस्तों इनके सब्सक्राइबर अब इनके नेटवर्क को पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके सब्सक्राइबर इनको छोड़कर किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स में जा रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों रिलायंस जियो के बारे में। तो रिलायंस जियो एकमात्र ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जब से इंडिया में जियो लॉन्च हुई है तब से इनके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्राई के अनुसार मार्च 2019 में जियो ने लगभग 94 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। मतलब कि दोस्तों जियो ही एकमात्र ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जो कि यहाँ पे लगातार सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड कर रही है। तो वहीं पे दोस्तों एयरटेल दावा करती है कि इंडिया में उनका 4G स्पीड सबसे तेज है। मतलब कि दोस्तों सबसे तेज 4G स्पीड देते हुए भी एयरटेल से लगातार सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर क्या कारण है जो कि एयरटेल से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ रिपोर्ट आज यहाँ पे ट्राई की ओर से मार्च 2019 की पेश की गई थी, और यहाँ पे बताया गया था कि रिलायंस जियो एकमात्र ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जो कि यहाँ पे लगातार सब्सक्राइबर ऐड कर रही है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।